भयंकर अतिक्रमण की चपेट में दून की रिस्पना और बिंदाल नदियां। राज्य की अस्थायी राजधानी देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियां भयंकर अतिक्रमण की चपेट में है। नगर निगम देहरादून के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इन दोनों नदियों पर 130 से ज्यादा अवैध बस्तियां हैं। हाईकोर्ट के वर्ष 2018 में बस्तियों को हटाने को लेकर आए आदेश के बाद सरकार इन बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश लेकर आई, जिसके बाद से यह अध्यादेश ही इन बस्तियों को बचाने का सुरक्षा कवच साबित हो रहा है। देहरादून की रिस्पना नदी के किनारे दोनों तरफ करीब 90 छोटी बड़ी बस्ती बसी है। मसूरी के कैरवान गांव शिकर फॉल से मोथरावाला दौड़वाला तक नदी करीब 19 किलोमीटर क्षेत्र में शहर के राजपुर, रायपुर, डालनवाला, नेहरू कॉलोनी आदि इलाकों को जोड़ती है। हाईकोर्ट के आदेश पर यहां प्रशासन ने अतिक्रमण के चिन्हीकरण की कार्रवाई की तो छोटे बड़े 5,000 से ज्यादा अतिक्रमण पर लाल निशान लगाए गए थे। हालांकि बाद में सरकार ने यहां बसी बस्ती को सुरक्षित रखने के लिए अध्यादेश लाते हुए ये कार्रवाई रोक दी थी। इससे यहां अतिक्रमण पर लगाम लगने के बजाय दोगुनी रफ्तार से बढ़ गया। हालत यह है कि नदी के तटों के साथ अब अतिक्रमण नदी के बीच तक जा पहुंचा है। राजपुर क्षेत्र में तो बड़ी संख्या में नदी को घेर कर प्लॉटिंग कराई जा रही है। इसी तरह रायपुर से रिस्पना के बीच नदी के दोनों तरफ बस्ती आलिशान घरों में तब्दील हो रही है। यही नहीं, आर्यनगर, अदोईवाला, मयूर विहार, रिस्पना नगर, दीपनगर में रिस्पना नाले के रूप में नजर आ रही है। यहाँ सीवर से लेकर घर और बस्ती का गंदा पानी नदी में प्रवाहित हो रहा है। नगर निगम के अनुसार रिस्पना के तट पर बसी बस्ती की आबादी करीब 2 लाख पार हो गई। इससे यहाँ अतिक्रमण भी इसी गति से बढ़ा है। इसी तरह बिंदाल नदी पर भी 40 के करीब बस्तियां बसी हुई हैं। रिस्पना नदी को न केवल आम लोगों ने अतिक्रमण कर बदरंग किया, बल्कि सरकारी विभागों ने भी यहां नियम विरुद्ध कब्जे कराए हैं। नदी के बीचों बीच सीवर लाइन डालकर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। इस तरह ऊर्जा निगम ने यहां बिजली के पोल खड़े कर दिए। बरसात में सीवर और बिजली के पोल पर मलबा अटक जाता है, जो बाढ़ का कारण बनता है। चौड़ाई पर नहीं हुआ निर्णय। रिस्पना नदी शिकर फॉल से दौड़वाला तक अलग अलग चौड़ाई में बहती है। यहाँ कुछ हिस्से में तो आज भी नदी पुराने स्वरूप में दिखती है। कुछ इलाकों में नदी पर बस्तियां बसने से नाले के रूप में आ गई है। इसे लेकर नगर निगम और MDDA ने कई बार बैठकें कर चौड़ाई तय करने की बात कही। 13 किलोमीटर लंबी बिंदाल नदी पर 10,000 कब्जे। दून में बिंदाल नदी की दशा भी रिस्पना से जुदा नहीं है। राज्य गठन से पहले इस नदी की चौड़ाई 50 मीटर तक थी, जबकि आज ये नाले के रूप में नजर आती है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि नदी के दोनों छोर अतिक्रमण की भेंट चढ़ते गए। एक मोटे अनुमान के मुताबिक मालसी से लेकर सुसवा रिस्पना बिंदाल का संगम स्थल तक इस नदी पर 10,000 के करीब कब्जे हो चुके हैं।